एमबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको मैच के तीसरे रोज खुश आमदीद कहते हैं। 196 रन 6 खिलाड़ी आउट पर नॉर्दर्न ने तीसरे रोज अपनी इनिंग्स का आगाज किया। बलूचिस्तान की पहली इनिंग्स का टोटल बराबर करने के लिए नॉर्दर्न को मजीद 222 रन दरकार थे, जबकि नॉर्दर्न पर बर्तरी हासिल करने के लिए बलूचिस्तान को 4 विकेटें जल्द हासिल करना पड़ेंगी। मोहम्मद नवाज और आमिर जमाल नॉर्दर्न की जानिब से क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों बैट्समैन आगाज से ही मोहताज दिखाई दिए और तमाम बॉलर्स को एहतियात से खेले। मोहम्मद नवाज ने अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए 50 रन मुकम्मल किए। आमिर जमाल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोनों के दरमियान 24 रन की शराकत कायम हुई। पानी के वक्फे तक नॉर्दर्न ने 7 विकेटों के नुकसान पर 226 रन बनाए। पानी के वक्फे के बाद मोहम्मद नवाज और उमैर मसूद ने बलूचिस्तान के बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया और स्कोर आगे बढ़ाते रहे। 8वीं विकेट की शराकत में 26 रन बने। मोहम्मद नवाज 67 रन बनाकर काशिफ भट्टी का शिकार हुए। इनकी इनिंग्स में 4 चौके शामिल रहे। खाने के वक्त तक नॉर्दर्न ने 257 रन बनाए और 8 खिलाड़ी आउट हुए। उमैर मसूद 15 और नुमान अली 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। खाने के वक्त के बाद 257 रन 8 खिलाड़ी आउट पर नॉर्दर्न ने दोबारा आगाज किया। उमैर मसूद और नुमान अली ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नुमान अली ज्यादा देर इसमें कामयाब नहीं हो सके। 9वीं विकेट की शराकत में 29 रन बन सके और यूं नुमान अली पवेलियन लौट गए। 275 रन पर नॉर्दर्न को नवा नुकसान उठाना पड़ा। आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन उमैर मसूद 24 रन बनाने के बाद काशिफ भट्टी का शिकार हुए। यूं 275 रन पर नॉर्दर्न की पूरी टीम आउट होकर पवेलियन लौट गई। नॉर्दर्न की जानिब से कामयाब बैट्समैन फैजान रियाज रहे, उन्होंने 78 रन, जबकि मोहम्मद नवाज 67 रन बनाकर दूसरे नुमाया बैट्समैन रहे। बलूचिस्तान की जानिब से अजीम घुमन और इमरान फरत ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों बैट्समैन आगाज से ही जारहाना मूड में दिखाई दिए। पानी के वक्फे तक बलूचिस्तान ने 9 ओवर्स में 43 रन बनाए। इमरान फरत 16 रन बनाने के बाद वकास अहमद का शिकार हुए। पहली विकेट की शराकत में 45 रन बने। चाय के वक्फे तक बलूचिस्तान ने 68 रन बनाए और एक खिलाड़ी आउट हुआ। आखिरी सेशन का आगाज अजीम घुमन और अली वकास ने मुस्बत अंदाज में किया। 45 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद दूसरी विकेट की शराकत में अली वकास और अजीम घुमन ने 35 रन जोड़े। 80 रन पर बलूचिस्तान को दूसरा नुकसान हुआ। अली वकास 17 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी जानिब अजीम घुमन डटे रहे और अपने 50 रन मुकम्मल किए। अब की बार अजीम घुमन का साथ निभाने अकबर उर रहमान आए। पानी के वक्फे के बाद भी दोनों बैट्समैन खूब जमकर खेले। अजीम घुमन के बाद अकबर उर रहमान भी पीछे ना रहे और अपने 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इनकी इनिंग्स में 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। पहली इनिंग्स की तरह दूसरे इनिंग्स में भी अजीम घुमन सेंचुरी करने में कामयाब नहीं हुए। 91 रन बनाकर आउट हुए। आसिफ अली ने इनको रन आउट किया। इनकी इनिंग्स में 10 चौके शामिल रहे। तीसरी विकेट की शराकत में 113 रन बने। यूं 193 पर बलूचिस्तान को तीसरा नुकसान हुआ। इसके बाद नाइट वॉचमैन मोहम्मद तलहा भी अकबर उर रहमान का ज्यादा साथ नहीं निभा सके और 9 रन बनाने के बाद सरमद भट्टी का शिकार हुए। 203 पर बलूचिस्तान को चौथा नुकसान हुआ। आज जब खेल खत्म हुआ तो अकबर उर रहमान 80 और अयाज तसव्वुर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। आज बलूचिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए और मजमूई तौर पर 366 रन की बर्तरी हासिल की।